लंबे लॉकडाउन के बाद शुक्रवार से इंदौर में सभी सैलून व्यवसायियों की दुकानें शुरू हुई है। एसोसिएशन द्वारा लगातार शुरू करने के प्रयास हेतु कलेक्टर मनीष सिंह से मांग की जा रही थी। कलेक्टर द्वारा नई गाइडलाइन बनाकर और सुरक्षा की दृष्टि से नए नियम लागू करके दुकानों की शुरुआत की गई। इस बीच इंदौर बार्बर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश सेन रामजी ने बताया कि इंदौर शहर में करीब 5000 से ज़्यादा सैलून की व्यवसाय की दुकानें हैं। सभी दुकानों में नई गाइडलाइन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे सैलून कर्मचारियों को काम करने में आसानी हो गई। नई गाइडलाइन के तहत डिस्पोजल सामान का उपयोग करना और सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बताया गया। कलेक्टर द्वारा गाइडलाइन के तहत 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसके द्वारा सभी सैलून दुकानों पर समय समय पर जांच की जाएगी। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया आ रही है। विगत 85 दिनों से ये सभी लोग तैयारी में लगे हुए थे। प्रशासन जितना लेके विचलित हम लोगों को था, उतने हम लोग भी विचलित थे, क्योंकि जान का डर सबको होता है। इन लोगों ने कम से कम 15-20 दिन पहले अपनी डिस्पोजल एफरीन किट या पीपी किट सबकी व्यवस्थाएं करके प्राय प्राय रख ली थी। आज मैं भागीरथपुरा क्षेत्र में नुक्कड़ क्लासेस लेने आया हूँ दुकानदारों की, तो यहाँ आके मुझे बहुत खुशी हुई कि ये सब लोग संगठित हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम करने को तैयार है। प्रशिक्षण के तहत इनको यही जानकारी दी गई है कि अपने को सुरक्षा के साथ काम करना है। क्लाइंट आ रहा है, उसके नंबर नोट करना है, हाथों को सैनिटाइज करना है और इंस्ट्रूमेंट को सैनिटाइज करना है, और जब भी अपने नाम से चेयर से उठ के क्लाइंट जाता है तो अपनी चेयर को वो सैनिटाइज करना है। अपन जब बहुत प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो स्वाभाविक है क्लाइंट अपने को रोड का चलता हो, क्लाइंट जब देखेगा तो खुद आना उचित समझेगा। एक उसके दिमाग में जो डर का माहौल है वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।